हेलो फ्रेंड। हाँ और क्या बोल रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बोलो। नहीं बोला जाएगा। हिम्मत आ रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आप कैसे हो? मुझे पता गाइस आप हैंडसम और मस्त हो। तो ऐसा ही हमने बनाया था। चलिए इसे फौजू भाई को पहनाते हैं। फौजू भाई पहनो फटाफट। ये भैया बहुत स्कूल जा रहा हूँ। हाँ स्कूल भेज देंगे तुम्हें स्कूल ही तो लेके जाएगा। तो भाई इसकी देखो पट्टी क्या मस्त लगी है। यहाँ पर फिक्स हो गई है, ऐसे गई है भाई, थोड़ी ऐसे घूमी है। हाँ तो भाई बिल्कुल फिक्स। ठीक है फौजू भाई, देखो इस क्लिप को जो यहाँ लगाओ। फौजू भाई तुम तो संजय दत्त लग रहे हो पूरे। तो गाइस आज हम इनका पापा का पर्रा या फिर पापा कबूतर बना देंगे। वैसे गाइस कबूतर लग भी रहे हैं ऊपर से नीचे तक व्हाइट व्हाइट। तो भाई सबसे पहले हम इस XT60 कनेक्टर को लगाते हैं। फौजी भाई आर यू रेडी? जाते इधर उधर मत उड़ा देना, इसे काम करो। ओ चल गया। तो स्टार्ट करें, लेट्स गो आराम से। चलो हाँ खोल दो पूरा। आ रहा था तारा। क्या लग रहा? तुम वो ऐसा क्यों बना रहे हो टेंशन में? इसे लोंडो बाबा के लाओ। क्या जवारी भी तो कैसा महसूस हो रहा फौजी भाई लगाकर? झटके लग रहे हैं। पीछे से पुश को ऐसा लग रहा कोई धक्का दे रहा हो? धक्का दे रहा है। अच्छा तो तुम आगे क्यों नजारे जमा रखे पैरों को? तो गाइस खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। फौजी भाई उतार दो इसे, जा पक्का जाओ। ये भैया भाभी भी दिखाने जा रहे हैं। तो गाइस ये रहा भैया, ये क्या है? और भाई ये देखो उसकी जो प्रोपेलर है, इम्पेलर है, ब्लोअर है, जो भी है किस तरह से मुड़ी हुई है। तो गाइस मेरे को नहीं पता कि भाई ठीक है खराब है। अभी गाइस क्यों नहीं पता, देखिए ये मुड़ा हुआ है। देखो ये ऊपर से भाई किसी ने फेंका है या कबाड़ में किसी ने ऐसे फेंक के मारा है। तो भैया किस मशीन का गाइस ये पार्ट आपको लग रहा है? मुझे नहीं पता भाई किस मशीन का पार्ट है। तो भाई सबसे पहले मैं इसे खोल के देखते हैं और गाइस हम इसकी सर्विस करेंगे और भाई चेक करेंगे भाई ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये चालू है या नहीं है। तो ये खुलेगा यहाँ से। तो गाइस फटाफट से खोलते हैं। ओ भाई ये आसानी से खुल गया। तो भाई साहब ये रहा, लग तो रहा है गाइस ये चलेगा। इसकी जो है ना देखिए ये भी टेढ़ी हो रही है। और भाई इससे हम एक बहुत मस्त प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पहले भाई मैं सोच रहा हूँ गाइस मैं इसे पहले थोड़ा सा खोल लूँ, बल्कि थोड़ा का पूरा ही खोल लेंगे। थोड़ा में दिक्कत होगी ना, थोड़ी टेस्टिंग हो पाएगी ना। फिर हवा खिलाई कैसा लगा भाभी जी को? उड़ गई भाभी। भाभी उड़ गई। मुझे रस्सी से बांधना पड़ा इमरजेंसी के लिए। तुम्हें रस्सी से बांधना पड़ा है भाभी को? अच्छा मेरे से हल्की है। अच्छा तुमसे हल्की है, देखा तो भारी लगा डबल। खैर जो बात है बेइज्जती मारती मैंने, अब मेरी खैर नहीं है। तो जाओ देखो भाई ये रास का आई थिंक इसे इम्पेलर बोलते हैं। और ये भाई काफी लाइट वेट। फौजी भाई लाना जरा इसे निकाल दो, पहले ऐसे यहाँ से निकाल दो। चलो रख दो इसे, बहुत बढ़िया चीज है। कोई बात नहीं, नो टेंशन, जाओ रख दो। तुम्हारा भाई जिंदा है, जैसे फौजी भाई जिंदा है तो भाई भी जिंदा है। फौजी भाई तराजू लगाओ फटाफट, वेइंग स्केल मशीन। बहुत बढ़िया, तुम तो बड़े तैयार हो, तुम्हें छोटा कर दिया। अच्छा तुम चला कर लाओ। तो भाई ये लोगो इसका वेट देखते हैं, ओनली 64 ग्राम। ओ हाँ 64 17। यही ना बात, हटाओ जा। पहले चला के देखते हैं भाई चल भी रहा है नहीं चल रहा। सबसे पहले चला के देखते हैं तभी तेरे फायदा होगा भाई बस रिपेयर करने का, वरना क्या फायदा बताओ। भाई हम इसे सीधा वेदा कर देंगे और भाई ये ना चला तो इसकी हवा कैसी आएगी वो भी देखेंगे। हाँ ये बहुत बड़ा करा आपने, ये बहुत दिक्कत थी, ये दिक्कत आपने खत्म कर दी। वायर कटर कहाँ फेंका आपने? फौज भाई कहाँ रख दिया उसे, फौज में लेके गया वायर कटर को? यार चीज को होती हुई चीज नहीं मिलती भाई, बड़ा मूड खराब होता है। देखो भाई वहां रख दिया था इन्होंने, ये सारे कारनामे इनके, ये जिम्मेदार है। जहाँ भी जाते हैं ये हर जगह जिम्मेदार है। यार तो राग भाई एसी का ही है क्योंकि इसमें ये कोयल लग रही है ना। तो भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा फैन ये, जैसे कि माइक्रो ओवन में से मैंने एक फैन निकाला था ना, बिल्कुल सेम टू सेम। उम्मीद हम कर सकते हैं फौजी भाई, रख दो तराजू को। जाने से पहले हम इसका पूरे का वेट चेक कर लें, है कितना है? ओ भाई साहब 698 ग्राम, ये 761 ग्राम और भैया 836 ग्राम। और भाई साहब मतलब इसी का पार्ट है भैया, मैंने कोई अलग से ना निकाला है। 885 ग्राम का है टोटल, लगभग 1 kg या 1 kg मान के चलते हैं। चलो मोटा मोटा अभी तो भाई फटाफट चेक करते हैं किसने छीका ये। मोंटी भाई ने छीका है, आप नसीब वाले थे जिनकी छीक सुनी, तो हम तो सुनते रहते हैं। तान ने निकले यहाँ से पकड़ लेना। और भाई ये पहली बार ऐसी टेस्टिंग होगी जब गाइस मैं सीरीज में टेस्ट नहीं कर रहा। अगर कुछ भी गड़बड़ी शॉर्ट सर्किट होता है लाइट चली जाएगी, क्योंकि सोलर इन्वर्टर है उसमें सेफ्टी फीचर है। अगर बाई चांस शॉर्ट सर्किट होता है तो गाइस वो लाइट कट कर देगा। चेक करते हैं, पहले स्विच को बंद कर लें। फौजी भाई आर यू तैयार? कर दूं? ओ चल गया। अरे वाह चल गया भाई, चल गया चल गया चल गया चल गया। अरे फौजी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए इस शुभ अवसर पर। मैं यार ऐसे आपको नहीं चला के दिखा पाऊंगा, पर मैं ऐसे दिखा पाऊंगा। देखो फौजी भाई पकड़ो ड्राइव, तो चलो छोड़ो यार। देखो भाई साहब
और मुझे इसकी नहीं पता भाई करंट इसमें आ रहा है यार, मल्टीमीटर लेकर पक के जाओ। मल्टीमीटर मंगाते गाइस कि भैया इसमें करंट तो नहीं आ रहा, कभी पता लगे कि बस एक बार टेस्ट कर सके, उसके बाद गाइस हम कभी भी करंट टेस्ट ना करें। तो फौजी भाई टेस्ट करके दिखाएंगे किस तरह से टेस्ट होता है। ट्रेनिंग मोड में कैसा होगा टेस्ट? ओ भाई वाह, कुछ करेंगे आज नहीं हो रहा, करो भाई करो। देखो उसमें एक वाईफाई का निशान टाइप का, मतलब साउंड का वो दिखाता है, सिंबल है वो, नहीं आ रहा, करेंगे कुछ ऐसी बात। सारे चीज टेस्ट करेंगे, सारे आंसर राइट मार देंगे, कोई तो 70 सही निकलेगा। देखो ये रहा, अब करो टच, हो गया। चलो देखो ये बढ़िया, इस पे लगा लो, इस पे तो पेंट है ना, इस पे लगा लो, देखो सही है, करंट नहीं आ रहा। देखो भाई एक्सपर्ट की राय हमेशा लेनी चाहिए, ये हमारे बड़े भाई है, तो भाई इनके बारे में क्या ही बोले। और गाइस साहब आपके सामने, तो भाई साहब करंट नहीं आ रहा ना, पक्का सुवर? क्या सोच है रे तेरी? मतलब श्योर कह रहा था मैं, सुबह निकल गया मेरे को से। अब हम चेक कर सकते हैं, तो पकड़ कर। ठीक है तो भाई मैंने हमेशा की तरह चप्पल पहन रखी है। तो गाइस ये तो मजेदारी बात होगी। ठीक है तो भाई से बंद कर लो फिलहाल। ओ भाई साहब इसकी स्पीड ज्यादा फास्ट नहीं है, मतलब आरपीएम इसके इतने खास नहीं है, लेकिन अच्छे हैं, मतलब कि इसा लगाने बाद ये कैसी हवा प्रोवाइड करेगा तो वो देखेंगे गाइस। तो भैया ये रहा, मैं तो बहुत हल्की है, देखो गाइस। और हमारे फौज भाई कहने की तो साफ तो कर ले कम से कम, बदतमीज फौज भाई प्लास लाना जरा। ओ भैया ये और कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है, घूम के यहीं से आ गया। ये भी कॉमेडी के चक्कर में लग रहा है आजकल यार, कॉमेडी नहीं हो रही गाइस, नहीं हो रही यार, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं भाई, पर ये जो कोशिश कर रहे हैं ना इनकी सफल हो रही है। मैं फौज भाई दूसरा प्लान लेकर आओ यार, ये हथौड़ा है, हथौड़ी और कुल्हाड़ी काम दोनों करता है, बस प्लाना काम नहीं करता, ये काट भी लेगा, बिल्कुल काट लेगा। अरे ये वाला जो मेरे पास है, ये वाला आला था तुम्हें, मेरे पास रखा मुझे भाई, बिल्कुल अभी याद आई है। तो भाई चलो कहाँ गया अब फौज भाई, कहाँ रख जाओ, यहाँ तो नहीं है। अरे रुक जाओ। अच्छा घूम रही है, उसका तो जाने भी घूमने के लिए हुआ है। देखो थोड़ा जो ना टेढ़ा मेढ़ा रहा ना, ये सीधा होगा, हाँ इससे होगा भाई प्लाट से सीधा। देखो ये जो ना ऐसे चोटे लगी हुई ना, चोटे ये वाली बेकार है भाई, फिंस। देखो भाई फौज भाई तो बाहर झाड़ के लाना पड़ेगा यार, गाइस जब भी हम ऐसी हरकतें करते हैं भाई एसी परेशान हो जाता है हमारा, इसके अंदर धूल मिट्टी ऐसे बहुत ज्यादा है। देखो कितने ज्यादा धूल मिट्टी निकली है, देखो मैंने तो पूछता झाड़ा नहीं है तो ऐसे देखिए भाई साहब। भाई बाहर चलने आ जाओ। I never really understood just how the story ends, but I could feel his tense, don't know the consequence, the volatility of life. हेलो कितना भी वोट, ठीक है भाई। तो भाई हमने काला पर्दा लगा लिया जिससे गाइस थोड़ा सा लुक चेंज हुआ भैया, वरना पहले थोड़ा सा डार्क ग्रे या स्मोक ग्रे कलर हो रहा था, पीछे हो रहा है अभी, सब चीज में तो धूल निकल ली है यार। अब क्या बचा इसका? हाँ इसका एक और रहता है, देखो यार ये बाहर चलने वाले, ये बाहर होगा। तो भाई आज वीडियो डलने वाली है, जो फौज भाई ने पहना था ना बेल्ट वाला कमर पे, उसकी गाइस आज वीडियो डलने वाली है, और गाइस ये लोग कल डलेगा। ये हमारा ठिया है, ठिया भाई, ये हो गया मस्त, बिल्कुल भाई ऐसा होगा जैसे कभी टेढ़ा था ही नहीं। अंदर चलते हैं, कितना मजा आ रहा, इतना सर इतना करें, मीडियम मजा आ रहा है, ये बढ़िया। ये नए नए शब्द सोच के कहां से लाते हैं। लो भाई ये हो गया कंप्लीट, और भाई हमने इसकी टेस्टिंग तो करी ली, लेकिन भाई अभी इसकी टेस्टिंग मैंने नहीं की है। फौजी भाई अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, ये कौन सी क्वालिफिकेशन हुई है, कौन सी क्लास? पहली क्लास। उंगली टेढ़ी तुम्हारी तो? वो टेढ़ी उंगली टेढ़ी क्लास होगी, टेढ़ी क्लास। हाँ भी तो कितना पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा हुआ एकदम पढ़ाई रहे, देखो अब भी पढ़ा हुआ। काफी लोग कहते हैं समझ आ रही है भाई, एकदम ऐप पे बैठा है। अरे भाई जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो ये भाई जब आवे बाकी वीडियो एडिट ना करता है, ये घूमते रहे भाई, ये आवारागर्दी बहुत करे, यहीं पे बिल्कुल एंड हो जाए। देखो भाई आज शाम को 6 बजे डलने वाली है, तुम टाइम देखो 3 बज रहे हैं, आज शाम को 7 बजे, सॉरी पहले 6 बजे डलती थी, अब 7 बजे डलती है। सुबह लगाया वीडियो एडिट करने में, कल पूरे दिन मौज मारी, पूरे दिन मौज मारी, उठे कितने बजे 11 बजे। मैं कहना था आना मौज मारने में, साथ में तुम भी शामिल है। अच्छा मूवी तो देखने गए हैं कल गाइस, कल हमने फास्ट टैग देखी थी, ईशु भाई थे, मैं था और ये भाई मोनी थे। भाई से पहले शो मार के फोन, इरन तो भैया फोन में देख ली कैसे लगी मूवी? बढ़िया झकास झकास, सुतरे का एक कमी होगी, खैर वो आप वीडियो जाके मूवी जाके देखने पता लगेगा, उसका एंड नहीं है, दूसरा पार्ट बनेगा। सही बताओ इन्होंने तो प्रोफेसर की डिग्री ले रखी है, डॉक्टर लगा इनके नाम से पहले, 17 तो लगाते थे ना, वो बात अलग है। 10th करिए भाई, ये कॉमर्स वाले भजियो बता दीजिए ना, यहाँ का रोमांस चल रहा है सर मारे हो? रोमांस नहीं है, लाइफ में रोमांस। खैर भैया अलग भटे जाएंगे हम। ओ भैया मेज आप सबको पता ही है, UT US, उसकी टोपी उसके सर वाला मैंने कोर्स किया है, इन्हें PhD कर रखी है, पिज्जा होम डिलीवरी है भैया। तो चलिए भाई लोगो अब इसकी ओ भाई की देख रहे हो, ओ भाई साहब ये पूरे में करंट आ जाता अभी। भैया इसका लगाओ पहले टेप लगाना बहुत जरूरी है, वरना भाई हमारे लिए कुछ जरूर नहीं रहेगा, जब हम यहाँ रहेंगे तो क्या जरूर रहेगा हमारे लिए। वैसे गाइस मैंने ये मास्किंग टेप लगाई है इमरजेंसी के लिए। चलो भाई 1 2 3 ओ भाई इसकी हवा यार
अरे भाई हवा तो इसके बहुत तेज है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मुझे देखने में ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि इसमें हवा कम होगी, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारे बताएगा यहाँ से निकल रही है, यहाँ से कह दी पूछ भाई हो मस्त है ना। तो गाइस ये बक्का कूलिंग सिस्टम है, मतलब सारे वहाँ नीचे से आ रही है, खासकर इस एरिया से आ रही है। देखो यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, यहाँ देखो अलादीन की चढ़ाई बन गई इसकी। देखो भाई मतलब हवा तेज है, साइलेंट है और हवा फैल गा रही है सब जगह। तो गाइस आप खुद ही देख सकते हो ये तो बहुत काम का, और भाई काफी ठंडी ठंडी आवाज है क्योंकि गाइस यहां पे एसी चल रहा है। होंडे और बाद एक भी लोंडे क्या मस्त हवा इसकी, क्योंकि तू भी जिंदा है मैं जिंदा तू भी दिखा दे। फिर बाद में रहा भाई कि मुझे टेस्ट ना कराया। हां एक्सपर्ट करा ले। अरे वाह कैसे भाई तेरा मस्त है ना बाबू, बढ़िया ना तेरा बाल हल्के समझो ले पास हो गया। नीचे को थोड़ा सा और चबा जाएगी बाल में। देखो भाई इसकी आवाज ले मस्त है ना बढ़िया बढ़िया। तो भाई एक बंद हाँ रोलर भाई जब इतना ये इम्पेलर है ना ये काफी अच्छा हवा दे रही है मस्त बिल्कुल। गाइस बेसिक ये मोटर लोअर पे में और साइलेंट मोटर है, लेकिन भाई साहब हवा इतनी मस्त दे रहा है तो आई थिंक गाइस ये कूलिंग सिस्टम के लिए होगा, या गाइस ऐसा हो सकता है कि भाई ये एग्जॉस्ट के लिए यूज होता है। हाँ इसका तो खैर प्रोजेक्ट बन जाएगा भैया ने कहा, इसका एसी बन जाएगा, ऐसी की तैसी होगी हमारी। बढ़िया ना मस्त ठंडी 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 हवा दे रहा किरण तो गाइस फटाफट एंड करते हैं। काफी गाइस मस्ती भरा व्लॉग था, और भाई इसकी टेस्टिंग करी, इसकी रिपेयरिंग करी, और भाई देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा जैसा कि पहले था। सारी इसकी बॉडी बिल्कुल मस्त कर दिया भाई सीधी। तो गाइस प्लीज कमेंट करके बताएं कि हम इसका क्या बनाएं, जो गाइस आप समर एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो। तो फ्रेंड्स आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा, तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करें इस व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ। और लास्ट पे बोलना चाहोगे कुछ शेयर करो वीडियो, शेयर करो, शेयर मार, सारे शेयर मार। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।